नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। जीवीसी अपडेट में आज हमारे साथ पर्यावरण के संरक्षण पर कुदरत के उन दृश्यों को निहारने के लिए, उसे एक टूरिज्म का पैलेस बनाने के लिए प्रोजेक्ट पर काम करने वाले एक बड़े व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर संजीव कुमार तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कंजर्वेटर ऑफिसर हैं फॉरेस्ट के और होशियारपुर में इस समय तैनात हैं। होशियारपुर के साथ साथ इनके पास पठानकोट और नमा शहर का भी चार्ज है, एक कंजर्वेटर का, दसवा तक का भी। और इनके कार्यों ने होशियारपुर की चर्चा भारत स्तर पर ही नहीं विश्व स्तर पर करवा रखी है। आखिरकार कैसे और क्यों, इन सब सवालों का जवाब आज आपको इस इंटरव्यू में मिलेगा। आज आप जानेंगे कि आखिरकार अगर आप प्रकृति के साथ समय बिताना चाहते हैं, अगर आप तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत तनाव आ गया, चाहे आप जितने बड़े पदों पर हैं, या आप विद्यार्थी जीवन में हैं, या आप गृहस्थ जीवन में, या आप संन्यास जीवन में हैं, संन्यास आश्रम में हैं, हर एक उम्र में हर एक पड़ाव पर तनाव का जो सामना है वो व्यक्ति कर रहा है, और तनाव कम करने के लिए व्यक्ति चला जाता है प्रकृति को निहारने, प्राकृतिक धरोहर को निहारने, प्रकृति के उन खूबसूरत दृश्यों को देखने। तो इन दृश्यों को दिखाने का भी तो क्रेडिट किसी को जाता है, इन दृश्यों को देखने लायक बनाने का भी तो क्रेडिट किसी को जाता है। होशियारपुर के अंदर वो क्रेडिट जाता है डॉक्टर संजीव कुमार तिवारी जी को। सर जीवीसी अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और सबसे पहले तो हम सर जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इको टूरिज्म प्रोजेक्ट पर जो कार्य हो रहा है सर, ये कैसे विचार आपके मन में आई, कैसे भावना आपके मन में आई सर? देखिए, इको टूरिज्म का जो मेन उद्देश्य ये होता है कि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जंगल के बारे में बताएं, फॉरेस्ट के बारे में बताएं, वाइल्ड लाइफ के बारे में बताएं, अपनी टोटल जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे जो कायनात है उसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। क्योंकि जब तक लोग इन जंगलों को देखेंगे नहीं, तब तक उनमें अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े एनिमल्स तक हैं, जब तक उनको निहारेंगे नहीं, तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि हम उनको कंजर्व कैसे करें। तो जो बेसिक इको टूरिज्म का मतलब ये होता है कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, टूरिज्म मतलब रिस्पॉन्सिबली विदाउट हार्मिंग द नेचर, मतलब कम से कम इम्पैक्ट पड़े इन्वायरमेंट पे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी मिले। तो इसी उद्देश्य के हमारा मेन उद्देश्य यही है। सेकेंड उद्देश्य है कि रिक्रिएशन, ताकि लोग जाएँ तो उनको आनंद लगे, इस तरह की सीनिक ब्यूटी देखें, उसको अप्रिसिएट करें। अब जैसे अगर हम बात करें, हमें स्टार्टिंग हमने किया था हमारे पंजाब में जो कंडी एरिया है, वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं। तो एक जगह पे आपको सारे तरह के लैंडस्केप मिलेंगे, जैसे पहाड़ मिलेगा, पानी मिलेगा, वाटर बॉडीज़ काफ़ी हैं, फॉरेस्ट है, मीडोज हैं, ग्रासलैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। तो एक जगह पे इतनी सारी ब्यूटी आपको बहुत कम जगह ही है इंडिया में जो मिल सकता है। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ पंजाब में हमारे इस तरह की लोकेशंस हैं। तो इसको चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट की शुरुआत पठानकोट से की थी। सो सर, प्रकृति के साथ पंजाब पांच दरियाओं का जो प्रदेश रहा, जब बंटवारा हुआ तो दो दरियाएं हमारे पास रह गई, परंतु उसके बाद जो नेचुरल प्रोजेक्ट जो थे, जो प्रकृति को परमात्मा ने दिए थे, उन सबको खोजने का जो जिम्मा आपने अपने मजबूत कंधों पर उठाया, आपकी सोच को इस सबको शिद्दत है। आपने पठानकोट का जिक्र किया सर, क्या इको टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है वो होशियारपुर में भी कहीं डेवलप किया गया? हाँ, देखिए, सबसे पहले 2019 में पठानकोट के रंजीत सागर जो झील एरिया है, जो रिजर्वायर एरिया, काफ़ी बड़ा रिजर्वायर है, अराउंड 86 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, तो वहाँ के उसके दरिया के किनारे हमारी एक तरह एक जगह ऐसा था जिसको हम लोग चमरोड़ विलेज बोलते थे, और उस विलेज पे सारे तरह के लैंडस्केप आप एक जगह देख सकते हो। आप धौलाधार रेंजेस देख सकते हो, पीर पंजाल है, ब्लू वाटर बॉडी है, ग्रास लैंड है, सब जगह एक। तो हमारे मन में आइडिया है कि इस जगह को हम एज ए इको टूरिज्म डेस्टिनेशन में डेवलप करना चाहिए। तो 2019 में हमने काम किया, 2020 में हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, और इस प्रोजेक्ट अभी आज के डेट में हमें मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस जगह पे जो समुद्र की लहरें हैं, उस तरह का मतलब लैंडस्केप जो गोवा में है, उस तरह का मिनी स्वरूप को हमें पठानकोट में देखने को मिलता है। तो ये मिनी गोवा के नाम से हमने 2020 में शुरू किया था। विद इन ईयर, एक साल के अंदर ये प्रोजेक्ट काफ़ी फेमस हो गया, और काफ़ी ये सिर्फ पंजाब के नहीं बल्कि इंडिया के मैप पे भी ये डेवलप हो गया। उसके बाद मैं वहाँ पे DFO था उस समय,
फिर अभी 2 साल पहले मेरा एज ए प्रमोशन होकर कंजर्वेटर में होशियारपुर में लग गया, तो फिर हमने यहाँ पे भी सोचा कि हम क्यों नहीं जिस तरह कंडी बेल्ट पठानकोट का उसी तरह के प्रोजेक्ट्स को हम यहाँ पे भी डेवलप करें। तो सबसे पहले हमने थाना डैम, आपने देखा होगा होशियारपुर से 35 किलोमीटर ही है, वहाँ पे भी एक छोटा सा लेक है जो रिजर्वायर है थाना डैम का, वो भी बहुत ब्यूटी वाइज बहुत सुंदर है, वहाँ से आप देखेंगे सनसेट बड़ा अच्छे से दिखाई देता है। तो उस एरिया पे हमने लोगों के रहने के लिए इको टूरिज्म का एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया, जिसमें बेसिकली 3 ऑल वेदर रिसोर्ट टेंट बनाए हमने, जो झील एरिया है वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स किया, उसके अलावा जो कुकानेट और डेरिया का हमारा फॉरेस्ट बहुत बायोडाइवर्सिटी ब्यूटी है, वहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए हमने जीप सफारी किया, ऑन द वे आपने गुफाएँ काफ़ी वहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत तरह के बटरफ्लाई की स्पीसीज हैं जो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ें मतलब लोगों को पंजाब में किसी ने सोचा भी नहीं मैं पंजाब में इस तरह की लोकेशंस हैं, तो ये चीज़ें हमने डेवलप किया और वो काफ़ी अच्छा हमारा रिस्पॉन्स वहाँ पे भी लोगों का रिस्पॉन्स है और काफ़ी अच्छे से चल रहा है वो। सर ये सारी चीज़ें प्रकृति को निहारने के लिए तैयार की गई, ये हट्स बनाने का आइडिया जो है ये कहाँ से आपके मन में आया सर? देखिए हम लोग जब ट्रेनिंग में थे तो हम पूरे इंडिया का हमने घूमा, इवन US भी गए हम सरकार की तरफ से, तो वहाँ पे इस तरह के इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स काफ़ी फेमस हैं और उनके पास उतनी लोकेशन नहीं है लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में देखा जाए तो। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम पंजाब में, हमारी इतनी अच्छी लोकेशन है तो क्यों नहीं हम पंजाब में ही इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट पठानकोट का रहा, काफ़ी सक्सेसफुल था, और सेकेंड प्रोजेक्ट हमारा थाना डैम जैसे मैंने बताया जो होशियारपुर का है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है, और इसके सक्सेस को देखते हुए हमने अभी तीसरा प्रोजेक्ट अभी हमने जो चौहाल डैम है अभी हमने बहुत जल्दी उसको स्टार्ट किया है, वहाँ पे भी सेम इस तरह के कॉन्सेप्ट पे हम कर रहे हैं, जैसे कुछ ऑल वेदर रिसोर्ट टेंट हैं, और बेसिकली हमारा जो मेन एम है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी, ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के बारे में लोगों को जागरूक करना है कि हमारे तरफ की क्या क्या नेटिव स्पीसीज हैं, प्लांट्स की क्या स्पीसीज हैं, हमारे एनिमल्स कितने हैं, छोटे एनिमल्स से लेके बड़े एनिमल्स तक हैं, हमारे पास कार्निवोर्स हैं जैसे लेपर्ड है लेकिन हमें पता नहीं है कि पंजाब में भी लेपर्ड होगा। तो हम अभी आजकल जब जंगल सफारी करते से कई लोगों ने हमें फ़ोन करके बोला कि हमें लेपर्ड दिखा है। तो बेसिकली मकसद ये है कि लोगों को हम अपने होशियारपुर के फॉरेस्ट के बारे में, होशियारपुर के वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, यहाँ के बायोडाइवर्सिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। सर लोग जो पंजाब के लोग भी थे वो भी वाटरफॉल देखने के लिए धर्मशाला चले जाते हैं या दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, जिससे एक बड़ा रेवेन्यू भी दूसरे स्टेट को चला जाता है। पता चला सर कि आपने होशियारपुर के अंदर वाटरफॉल की खोज कर डाली और लोगों को समर्पित भी कर दिया, क्या सच्चाई क्या है सर इसकी? जी जी बिल्कुल, जैसे हमने थाना डैम बनाया था वहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे थे लेकिन वहाँ एक गांव में छोटा सा हमारा वाटरफॉल था जो लोगों को पता नहीं था, तो फिर हमने उसको लोगों को कनेक्ट किया, उस वाटरफॉल को लोगों से कनेक्ट करने का प्लान बनाया। तो हमारा 3 किलोमीटर का एक रास्ता है तो वहाँ पे हमने नेचर ट्रेल भी बनाया है और गाड़ी का रास्ता जो 4-व्हीलर रास्ता भी हमने बना दिया ताकि लोग जो थाना डैम पे जाए तो सारी तरह के उनको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में पता चले। तो हम उनको जो भी गेस्ट हमारे थाना डैम पे जाते हैं तो उनको हम वाटरफॉल पे भी लेके जाते हैं, और अब बिलीव नहीं करेंगे लोग जो पैदल जाते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं कि हमारे पंजाब में भी इतनी सुंदर ब्यूटी है और इस तरह का वाटरफॉल है, उसके सराउंडिंग्स में पूरा फुल ऑफ फॉरेस्ट है, काफ़ी तरह के हमारे इंडिजिनस स्पीसीज प्लांट्स की एनिमल्स की वो लोग देखते हैं तो लगे काफ़ी उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। बड़े स्तर पे सर बड़े शहरों में हम देखते हैं कि जब भी कोई पर्यटक स्थल बनाया जाता है तो जंगल के जंगल साफ कर दिए जाते हैं विकास के नाम पर। पता लगा कि आपने जितने इको टूरिज्म प्रोजेक्ट पर काम किया प्रकृति के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं हुई, एक पेड़ की टहनी तक नहीं काटेगी, क्या सच्चाई? जी जी बिल्कुल ये सच्चाई है, क्योंकि इको टूरिज्म हमारा मेन मकसद ये है कि हम कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर को वहाँ पर क्रिएट ना करें, सारे हमने टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाए हैं। आपने हट्स भी देखा होगा, कॉटे टेंटेड एकोमोडेशन है या वुडन कॉटेजेस हैं, जिस तरह लैंडस्केप था हमने लैंडस्केप को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया है, हमने स्लोप देके रेस प्लेटफॉर्म पे सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, और सारा मतलब बेसिक मंतव्य ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को दिखाएँ, न कि हम कॉन्क्रीट जंगल को बना दें और उस तरह के दिखाएँ। आपने देखा होगा हमने जो अभी चौहाल में बनाया है नेचर ट्रेल बनाया है, यहाँ पे हमने काफ़ी सारे जो एक उसको ऑक्सी वॉक बोलते हैं 200 मीटर का 300 मीटर का ट्रैक है, इसके अलावा हमारे जंगलों में जो नेचुरल जो पगडंडियाँ होती थी उसको हमने जो नेचर ट्रेल डेवलप किया है। अगर हम पूरे होशियारपुर ज़िले की बात करें तो यहाँ का तकरीबन हमने 40 नेचर ट्रेल डेवलप किए हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं जो उस तरह जिनको नेचर एंथुसियास्ट हैं वो 2 किलोमीटर से लेके इवन 1 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर तक के ट्रैक्स हैं, 1 घंटा आधा घंटा से लेके 4 घंटा के भी आप नेचर में वॉक कर सकते हैं, और इनको दर्शाने के लिए हमने
अपने लोकल विलेजर्स को एज ए नेचर गाइड ट्रेन कर रहे हैं, ताकि एज ए नेचुरलिस्ट वो काम करें और हर एक चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी दें। एक छोटे छोटे चींटियों से लेके बड़े एनिमल्स के बारे में बताएं, सारे वेजिटेशन के बारे में बताएं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, इस तरह क्या इंपॉर्टेंस है, तो सारी जानकारी हम लोगों को मुहैया करा रहे हैं एक जगह पर। इसके अलावा क्या सर, जितने भी प्रोजेक्ट पर काम किए गए उसमें बोटिंग वगैरह की भी सुविधाएँ दी गई लोगों को? जहाँ जैसे अभी थाना डैम पे मैंने बताया कि ऑलरेडी हमारा वाटर स्पोर्ट्स चल रहा है, अभी चौहाल डैम के लिए भी हमारे पंजाब गवर्नमेंट अभी हाल में ही हमने वाटर स्पोर्ट्स एक पॉलिसी लेके आए हैं, उसके तहत हमने वाटर स्पोर्ट्स जिसमें बोटिंग है, पैडल बोट्स हैं, इवन शिकारा का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चौहाल डैम में भी आए, और ताकि लोगों को वाटर स्पोर्ट्स के बारे में, एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सो सर, बड़ी बात आपने आज बताई ऑक्सीवॉक की। ऑक्सीवॉक हमें बहुत कम सुनने को मिलता है सर। बड़े बड़े लोग जो थे, कि बहुत विद्वान जो लोग होते थे पहले, ऋषि मुनि लोग जो होते थे, वो इन तरह की बातें करते थे, तो ऑक्सीवॉक आज भी थोड़ा आश्चर्य होता है, क्या होशियारपुर में ऑक्सीवॉक सर? हाँ देखिए, ऑक्सीवॉक का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम नेचर में जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन को सुबह सुबह इनहेल करें, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमने चौहाल डैम में एक 200 मीटर का ऑक्सीवॉक किया है। जो लोग रहें तो वो मॉर्निंग में वॉक कर लें, ताकि उनको जो फ्रेश एयर है, क्योंकि जंगलों में जो सुबह की जो एयर होती है 6 से 7 बजे का एयर है, तो पूरी फ्रेश होती है और उसमें ऑक्सीजन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने उसका नाम रखा है ऑक्सीवॉक। इसके अलावा जो कुकानेट में हमारा डेरिया एक जंगल है, जो थाना डैम प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था जी, तो वहाँ पे भी हमने ऑक्सीवॉक, क्योंकि वहाँ पे नीचे सेम वाटर पानी चलते रहता है जी, और ऊपर बैम्बो की कैनोपी है, तो उसको मैं पानी के आप चप्पल निकाल के, जूते निकाल के, आप 1 किलोमीटर हमने ट्रैक बनाया है जी, ताकि आप रेत पे आप नेचुरली कर सकें, ताकि एक प्रेशर के साथ आपको एनर्जी भी मिले और ऊपर से हमें ऑक्सीजन भी मिले, तो ये कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है और काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। ऑक्सीवॉक की मैं भी थोड़ी सी जानकारी देते चलूँ कि ऑक्सीवॉक जब हमारा भारत पुरातन भारत की ओर था, जब ऋषि मुनि बहुत तपस्या करते थे और बहुत वरदान हासिल करते थे, उस समय ऋषि मुनियों ने ये कहा था कि प्रकृति सुबह के समय जो आपको हवा प्रदान करती है, या जो ऑक्सीजन का लेवल सुबह के समय जो वो जनरेट करती है, वो आपको दिन भर में कहीं नहीं मिलती। ये एक ना बड़ा शक्ति का स्रोत भी होता था ऋषि मुनियों का, कि कई दिनों तक वो भूखे प्यासे भी तपस्या में लीन रहते थे। सर इसके अलावा क्या और भी कोई प्रोजेक्ट है जिस पर काम किया जा रहा है जो होशियारपुर में इको टूरिज्म प्रोजेक्ट को बल देगा? देखिए, होशियारपुर में जैसे मैंने बताया कि हमारा थाना प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, काफ़ी अच्छा है, उसको हम जंगल लॉजेस भी बोलते हैं, जंगल सफारी। दूसरा हमारा चौहाल का भी जस्ट हाल में ही इसका उद्घाटन हुआ है, और ये भी कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस मिलने वाला है। इसके अलावा हमने नारा, हमारा डैम है, नारा डैम में हमारा एक छोटा सा रेस्ट हाउस हुआ करता था, जंगल के बीच में ही है जी। तो वहाँ पे हम टेम्प्रेरी कैंपिंग के लिए लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, कि ताकि लोग बाहर से आएँ। अभी हमने 3-4 कैंप्स रिसेंटली करवाए भी हैं और उस पर काफ़ी लोगों का पसंद आया। तो हम बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि छोटे छोटे जो टेंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो पोर्टेबल टेंट्स होते हैं, अपना वो लेके आएँ, वहाँ पर रहें, उसके बाद से हम खाने का और टॉयलेट वगैरह सारा हमने रेस्ट हाउस में सुविधा रखा हुआ है, और मॉर्निंग में वहाँ से जो ट्रैक है हमारे, बड़े अच्छे अच्छे रूट्स हैं 2 किलोमीटर का एज़ पर देयर कैपेसिटी, कि वो ट्रैक करके फिर वापस आके टेंट में रह सकते हैं रात में। तो ये कंसेप्ट हमने नारा डैम पे किया है। इसके अलावा हमारा एक और है, मैली डैम है, क्योंकि जहाँ पे वाटर बॉडी होती है उस जगह की ब्यूटी बाकी जगह कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है जी। तो मैली डैम पे वहाँ पे भी हमारा एक अच्छा पुराना रेस्ट हाउस है, उसके पास भी हमारा सीनिक ब्यूटी काफ़ी अच्छी है। तो हमारा अगला प्रोजेक्ट है कि नारा और मैली डैम को हम ज़्यादा से ज़्यादा इको टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करें, ताकि थाना और चौहाल के साथ साथ वो सारे लोकेशंस को हम अच्छी तरह एक्सप्लॉयट कर सकें और लोगों को नेचुरल ब्यूटी का मतलब साधन प्रोवाइड करा सकें, दिखाने के लिए दिखा सकें। सर सबका आप सोच रहे हैं, पर जहाँ जहाँ आप इको टूरिज्म प्रोजेक्ट को बल दे रहे हैं, वहाँ क्या स्थानीय लोगों को इसका कुछ लाभ हो पा रहा है या फिर नहीं? नहीं देखिए, इस जो प्रोजेक्ट है इसका मॉडल हमने इस तरह बनाया है कि सारा लाभ लोकल कम्युनिटी को ही जा रहा है। अच्छा। देखिए स्टार्टिंग बिगनिंग से हम सबसे पहले हम लोकल लेवल पे नेचुरल जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं सबसे पहले उनसे कंसल्ट करते हैं, और हमारे हर गांव में हमारी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक गाइडलाइंस है, जिसमें हम लोगों को लेके फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन है, क्योंकि जब तक हम लोगों को कुछ नहीं देंगे तब तक फॉरेस्ट को लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट नहीं करेगी। तो इसी प्रिंसिपल पे हमने लोगों से इन्वॉल्वमेंट करके ही प्रोजेक्ट बनाते हैं, और प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूनिक चीज़ ये है, जो मॉडल है उसमें जो फ़ायदा है, जो प्रोजेक्ट का जो भी रेवेन्यू आता है, तो आफ्टर
डिडक्टिंग द एक्सपेंडिचर पार्ट, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो हम विलेज कम्युनिटी के साथ 50-50 शेयर करते हैं। जो 50% जाता है गांव को, उसमें ओवरऑल गांव के विकास के लिए खर्च होता है। जैसे अभी पठानकोट में हमने रोड बनवाया है, बिजली के कनेक्शन दिलवाए हैं, पानी का ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कराया है, एम्प्लॉयमेंट हमारा मेन प्रोजेक्ट यही है कि एम्प्लॉयमेंट हमें लोकल को ही देना है, सारी एम्प्लॉयमेंट। इसके कारण क्या होता है, जो प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है तो उस जगह की लैंड वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। अगर हम पठानकोट की बात करें तो 2019 में जो हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो सिर्फ वहाँ पे 3 लाख रुपए पर केनाल था, आज की डेट में वहाँ पे लैंड वैल्यू 3 लाख रुपए मतलब बिक रहा है, तो मोर देन 30% उसका इंक्रीज हुआ है। तो इसका सारा फायदा लोकल कम्युनिटी को जाता है। तो ये मॉडल हमारा मतलब इंडिया में यूनिक है और जिसमें हम लोकल पार्टिसिपेशन के बेस पे हम प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना रहे हैं। सर ये सब तो आपकी सफलता की कहानी है या फिर आपके सोच की सफलता की कहानी है, आपके सपने की सफलता की कहानी है, पर हम सब जानते हैं कि हजारों हथौड़े से महादेव गढ़े जाते हैं तब जाकर मंदिर में पूजे जाते हैं। क्या ये सब प्रोजेक्ट करना इतना आसान था जितनी आसानी से ये सब कर दिया गया, या इसके पीछे भी संघर्ष की कहानी है? नहीं, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानियां हैं, और क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेस करना इतना आसान नहीं होता जितना हम बोलते हैं। शुरू में लोगों के अप्रिहेंसेस रहते हैं कि ये तो प्रोजेक्ट हमने डिस्क्राइब करते हैं लोगों के साथ कि ये प्रोजेक्ट है, इसका फ़ायदा ये मिलने वाला है, तो लोगों का अप्रिहेंसन रहता है कि ये बोल रहे हैं कि सच्चाई होगी कि नहीं, क्योंकि इतने सालों से कभी तक नहीं हुआ है। तो इनिशियली जब हमने पठानकोट में किया तो लोगों ने बोला कि नहीं हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन हमने उन काफ़ी मीटिंग्स किया, उनको फिर हमने मोटिवेट किया कि आप देखो कुछ दिन में आपका फ़ायदा दिखने लगेगा। कुछ दिन में, एक साल के बाद जब उनको इतना फ़ायदा हो गया तो अब लोग बोल रहे हैं कि नहीं आप हमारे यहाँ एरिया में भी करो, इसी तरह के प्रोजेक्ट करो। लोग धीरे धीरे हमारे पास और आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं कि आप यहाँ पे इस तरह के प्रोजेक्ट करो। तो धीरे जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, जो एक बार सक्सेस हो जाता है प्रोजेक्ट, फिर सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। जी हाँ, जब सफलता कदम चूमती है तो सभी समस्याएँ दूर हो जाती है। एक बड़ा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए भी है सर, एक चीज़ और है, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? सर बहुत सुंदर प्रोजेक्ट पे होशियारपुर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है आपके दिशा निर्देश पर, आपकी सोच को वो धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। सर दर्शक आज चाहते हैं कि आप उन्हें क्या संदेश दें? नहीं देखिए, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को यही, होशियारपुर वासी जिले पंजाब के लोगों को मैं यही विनती करता हूँ कि आप हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर एक बार जरूर जाएँ। आप जाएँगे तो उसके बारे में, नेचर के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पता चलेगा, तभी आपको अंदर उनके कंजर्वेशन की भावना आएगी कि हम वाइल्ड एनिमल्स को हम क्यों हमें बचाना चाहिए। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में जाएं, उस प्रोजेक्ट को देखें। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स हैं, उसका मतलब मेन होता है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, कि अगर हम जाएँ तो वहाँ पर गंदगी ना फैलाएँ। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी जाएँ, हमने सारा जो जोन को नो प्लास्टिक जोन डिक्लेयर किया हुआ है, तो मेरी यही विनती है कि आप जाएँ, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें और जो भी प्लास्टिक्स हैं या जो कूड़े हैं वो उसको प्रॉपरली जगह पे ही फेंकें, ताकि उस जगह की सैंक्टिटी को बनाए रखने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हम और कर सकें और उस जगह को साफ सुथरा रख सकें। और हाँ, मैं आपको बताते चलूँ कि सर ने जिस जिस जगह की बात की है वो सारी जगह आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वहाँ जाने का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, वहाँ आपको कोऑर्डिनेट कौन करेंगे, कौन आपको गाइड करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको हम इस छोटे से इंटरव्यू के साथ बता रहे हैं। और इस प्रकार अगर आपके मन में भी बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे सुझाव हैं, तो वो आप सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, सर के कार्यालय आ सकते हैं और आपके सुझावों पर आपका विभाग जो जंगलात विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो काम कर रहा है। आपके सुझाव को ये सलाम करते हैं, आपके सुझाव का ये स्वागत करते हैं। इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम देखने के लिए भी आप जुड़े रहें जीबीसी अपडेट के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।